गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस करने का एक सुनहरा मौका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, आप यहां पर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए। और चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जा सकते हैं। बाकी वीडियोस के सेक्शन में आपको जो भी नई वैकेंसीज या फिर आईटीआई क्लासेज हो या एनसीवीटी से रिलेटेड कोई अपडेट है, सब कुछ आपको देखने को मिलता रहता है। प्लस चैनल के नीचे आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड पीडीएफ और वीडियो के लिंक सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। फिर लास्ट में वो एक्सेल शीट भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अनोखे तौर पे मांगा गया है। इसमें नॉर्मली अप्लाई करने के लिए फॉर्म का लिंक होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेल शीट दिया गया है जिसको भरना है और उसको मेल करना है। तो सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, एक्सेल शीट भी दिखा दूंगा, बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मैं वो बता देता हूँ कि जो ईमेल के माध्यम से फॉर्म जो है अप्लाई करना है, मेल करना है सिंपली, और वो 12 फरवरी से 9 मार्च के बीच करना है। 9 मार्च 2024 लास्ट डेट है। और जब आप अप्लाई कर देते हैं तो सेलेक्शन हुआ कि नहीं, अगर आपका चयन हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आप, तो आपकी लिस्ट जो है 8 अप्रैल को इसी वेबसाइट जो है hlindia.co.in इस पर देखने को मिल जाएगी। सेलेक्शन लिस्ट इसी वेबसाइट पर आएगी। उसके अलावा जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो होगा आपका 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच, और वो आपको मेल वगैरह पर डिटेल या फिर इस वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगी कि कब और कहाँ जाना है। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से इस वीडियो का। एक एक डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फ्रंट पेज की तरफ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट थी जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्रभाग कोरबा, अमेठी, उत्तर प्रदेश, इस जगह पर ये अप्रेंटिसशिप का मौका है। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में ये लोकेशन है दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर रखा हो लेकिन एनसीवीटी से आईटीआई, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीवीटी से आईटीआई करिए। एससीवीटी वाले बच्चों को कई जगहों पर नुकसान देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनसीवीटी से आपकी आईटीआई होनी चाहिए, प्लस आपका जो पासिंग ईयर है वो 2021 होना चाहिए, यानी आपकी आईटीआई 2021 में या 2022 में या 2023 में पास होना चाहिए। अगर आप 2021 से पहले आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2021 में आईटीआई कंप्लीट किया हो, या तो 2022 में किया हो, या तो 2023 में जिनका कंप्लीट हो गया हो। अब आप आईटीआई कर रहे हैं तब भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसमें पास होना जरूरी है। पास वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे और एनसीबीटी से करेंगे, और अप्रेंटिस 1 वर्ष की होने वाली है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड के बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्ट आपके सामने है, वन बाय वन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कोपा, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, उसके आगे भी लिस्ट है, हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को मौका मिला हुआ है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आरएसी के बाद था ड्राफ्टमैन हो गया, कोपा, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, वेटर, व्हीकल, ये तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटर बता दिया था, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, पेंटर, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये सब ट्रेड है आपकी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए। और योग्यता क्या होनी चाहिए, सभी ट्रेड की अलग अलग है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन ट्रेड का एक साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देख लीजिए, 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में आपका विज्ञान और गणित होना चाहिए, यानी साइंस और मैथमेटिक्स के साथ आपका 10th हाई स्कूल लिखा हुआ है, 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए, 10वीं 10th जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिखा हुआ है। 10वीं पास विज्ञान और गणित विषयों के साथ होना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, पहला चीज। और दूसरा है आपकी आईटीआई होनी चाहिए एनसीबीटी से, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं। फिटर में है तो फिटर से होना चाहिए, टर्नर के लिए टर्नर चाहिए, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, जो ट्रेड है उस ट्रेड में आपकी एनसीबीटी से आईटीआई होने चाहिए। और आप 2021, 22 या 23 में पास हैं, उससे पहले पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से नीचे भी डिटेल दिया हुआ है अन्य ट्रेड के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए
इसमें भी उसी प्रकार से है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता दूं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, कोपा है, स्टेनोग्राफर, इनके लिए बोला है 10वीं वाला हिसाब, वही हाई स्कूल होना चाहिए। और इसमें अलग से साइंस और मैथमेटिक्स इन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ 10वीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, साथ में आपकी एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट 21, 22, 23 में ही पास होने चाहिए। आप या तो 21 में पास हो, या 22 में पास हो, या 23 में पास हो, उसके पहले के हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, ये जो पेंटर वाली ट्रेड है, आपको पता है ये काफ़ी 8th लेवल पर ही होती है, तो इसलिए पेंटर या वेल्डर इस तरह की जो ट्रेड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बस 8 पास हैं, क्लास 8th पास होनी चाहिए, 10वीं ज़रूरी नहीं है। 8th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं एनसीबीटी द्वारा, ठीक है। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, अब आ जाते हैं एज लिमिट की तरफ। तो एज लिमिट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और पहले से इन्होंने दे भी दिया है, आपको कॉपी पर नोट कर लेना है 9 मार्च 2024, और देखना है कि 9 मार्च 2024 को आपकी अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 30 वर्ष होने चाहिए अधिकतम, इससे कम रहेंगे चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 32 वर्ष होना चाहिए अधिकतम यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से बड़ा हुआ है, नहीं तो जनरली 27 वर्ष जो है अधिकतम उम्र है। और किस दिन जोड़ोगे आप, आपको जोड़ना है कि 9 मार्च 2024 को मेरी एज कितनी हो रही है, तो आपकी एज जो है कम से कम, कि यहाँ पर नहीं मेंशन किया, इन्होंने मेंशन किया है कि अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोस्टली मिनिमम के लिए 18 मांगते हैं, बट अप्रेंटिसशिप है तो हो सकता हो कम हो, अप्रेंटिसशिप का जो नियम होगा उसके हिसाब से ही होगा, अभी कोई यहाँ पर लिखा नहीं मिल रहा है, हम देखते हैं अगर कहीं होगा तो कवर करेंगे, अदरवाइज आपको बाद में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, फॉर्म भरने के लिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अनिवार्य है आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, वो होना चाहिए भारत सरकार की वेबसाइट वाला, जो कि apprenticeshipindia.gov.in। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट में अप्रेंटिस करते हैं तो सबसे पहले आपसे यही मांगा जाता है। तो अगर आप आईटीआई पास हैं और apprenticeshipindia.gov पर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, यहाँ से आपको एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो चाहिए होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, एक एक्सेल शीट है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो इनकी वेबसाइट पर है, प्लस मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एक्सेल शीट में ही आपको भरना है, ये एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म समझ लीजिए, इसी में आपको सब भरना है, जो भी डिटेल है उसमें, नाम या फिर एजुकेशन डिटेल वगैरह सब आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद इसको मेल कर देना, एक्सेल शीट को कहाँ मेल करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। दूसरा, एक्सेल शीट डाउनलोड करना, उसको अच्छे से भरना है आपको सावधानी से। तीसरा जो है, जो एक्सेल शीट है उसका नाम कुछ होना चाहिए, तो उसका नाम आप वही डालेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल का। जैसे एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट को आप फाइल में जाएंगे, भरने के बाद सेव एज करना होगा, और अपने सिस्टम में जहाँ भी आप सेव कर रहे हैं उसको, हम मान कर चलते हैं डाउनलोड्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर आपका अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन AP005 इस तरह से कुछ है, तो आपको इस नाम से एक्सेल शीट को सेव करना होगा, यानी एक्सेल शीट आप बनाने के बाद, भरने के बाद इसी नाम से सेव करें। किस नाम से? जिस नाम से आपकी अप्रेंटिसशिप जो नंबर है उसी, वही नाम दे देना एक्सेल शीट का। उसके बाद जब मेल भेजेंगे तो मेल में सब्जेक्ट एक जगह होती है ऊपर की तरफ, पहले तो ईमेल आईडी मांगता है, उसके नीचे लिखा रहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है, वही वाला जो अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल का है। उसके बाद एक्सेल शीट भर लेना है, और इस ईमेल आईडी पर tti.korva@hal-india.co.in इस पर आपको मेल कर देना है, यही आपको मेल करना है। क्या ये एक्सेल शीट, एक्सेल शीट कौन सी है? ये वाली है, अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको फिलअप करना है, ठीक है। ये एक्सेल शीट है तो इसको भरना है, इसी को भेजने की बात हो रही है, इस मेल पर भेजना है। जब आप भेज देंगे तो उसके बाद आपका मेरिट बनेगी, और आपको पता चलेगा जो मैंने बताया था डेट की, पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। किस बेसिस पर मेरिट बनेगी वो भी हम आगे देख लेते हैं। एक्सेल शीट में ही फॉर्म भरना है, आप कोई और फॉर्म या JPG PDF वगैरह कन्वर्ट करके भरते हैं या डाक या पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखें एक्सेल शीट ही आपको करना है। लास्ट डेट जो है मेल भेजने की वो 9 मार्च 2024 है, उसके बाद मेल अगर आप भेजते हैं तो वो अपने आप ही रिजेक्ट है, उसको नहीं, मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा।
एक बार में सिर्फ एक ईमेल भेजें, आप ऐसा नहीं कि पहले उल्टा सीधा भर के भेज दिए मेल, फिर दोबारा मेल भेज दिए, या सोचे कि यार पता नहीं पहुंची कि नहीं, दोबारा भेज देता हूँ। तो ज़्यादा बार मेल भेजेंगे तो ये एक से अधिक मेल आएगा, तो आवेदन पर अंतिम बार भेजा गया आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी पहले वाले जो हैं उनको कन्फ्यूज़ करने से अच्छा है कि आप पूरी तैयारी के साथ एक ही मेल भेजें, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल अप्लीकेशन कैंडिडेट्स ओनली द लेटेस्ट अप्लीकेशन विल कंसिडर। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो तीन आपने भेज दिया तो लास्ट में जो मेल भेजे हैं उसी को कंसिडर करेंगे, इस प्रकार से लिखा है। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अधूरी तैयारी के साथ भेजिए ही मत, फाइनल करने के बाद एक ही मेल भेजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भी प्रशिक्षण कर रहे हैं पहले से ही, जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, अक्सर बच्चों का सवाल भी होता है, जो पहले से कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं या अप्रेंटिस कर चुके हैं या कहीं अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ऐसे लोग जो है फॉर्म को फिलअप ना करें, उनका यहाँ पर चयन नहीं होगा, ठीक है। और या तो कुछ लोग सीओई से आईटीआई करते हैं, कुछ गवर्नमेंट आईटीआई में एक स्कीम चलती है सीओई के नाम से, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसमें भी आईटीआई कराया जाता है। तो इस तरह से आपने आईटीआई किया है तो भी आप नॉट एलिजिबल, एनसीबीटी का महत्व तो हर जगह है, तो इसलिए हमेशा एनसीबीटी से आईटीआई करें। किसी भी संस्थान में एक वर्ष या उससे अधिक का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये फ्रेशर बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी कहीं काम नहीं किया हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ गया मेरिट कैसे बनेगी। तो अगर 100 नंबर पे मेरिट बनना है, 100% पर, ठीक है, मेरिट पर बनना, मेरिट बनेगी ये, इसी पर सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो 10वीं में आप जितना भी नंबर पाए हैं उसका 70% जोड़ा जाएगा और 30% आपके आईटीआई में जो परीक्षा में नंबर पाए वो जोड़ा जाएगा। यानी 100 नंबर का जो एक तरह से मेरिट बननी है तो उसमें 70% आपके हाई स्कूल का नंबर लिया जाएगा और 30% आपके आईटीआई का लिया जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। कुछ जगहों पर बस 10वीं पे बन जाता है, कुछ जगहों पे सिर्फ आईटीआई पर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ले रहे हैं, 10वीं का 70% और आईटीआई का 30%, ठीक है। उसके बाद अप्रेंटिस के दौरान जो पैसा मिलता है जनरली वही रेशियो रहता है 8 से 10 हज़ार के बीच, तो उसी तरह से यहाँ पर भी मिलेगा पैसा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, मेरिट बेसिस पर होगा। उसके बाद कोई भी जानकारी है इनकी इसी वेबसाइट पर, कैरियर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, कैरियर का सेक्शन है, वहीं पर दिखाएगा आपको नोटिस, जो कुछ भी अपडेट आएगा वहीं पर दिखाएगा। अभी मैं वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, कैरियर वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। चलिए, सेलेक्शन की बात होती है, जब सेलेक्शन हो जाएगा तो इसी वेबसाइट पर आपकी लिस्ट जो है तैयार करके पोस्ट कर दी जाएगी कि ये बच्चे हैं। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना होगा, उसको वहाँ पर जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको अपना कराना होगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये चीज़ें दो इम्पॉर्टेंट हैं, एक मेडिकल फिटनेस और एक पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। साथ ही जब आप वहाँ पर चयन हो जाता है तो हाई स्कूल की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, जो भी आपकी जाति है उसका मार्कशीट है ना, या तो किसी अन्य ईडब्ल्यूएस वगैरह है उसका मार्कशीट, किसी कर्मचारी से आश्रित हैं आप तो उसकी मार्क, जो भी उसका सर्टिफिकेट है ना, अप्रेंटिसशिप जो रजिस्ट्रेशन किया आपने उसकी संख्या और ईमेल की कॉपी जो आपने मेल वगैरह भेजा होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी मेल आता है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप करते हैं तो उस पर सब कुछ आते हैं डिटेल में। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सबका प्रिंट आउट होना चाहिए, और जब आप जाएंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए तो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा वहाँ पर, फोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी चेक होता है, ठीक है। आने जाने का कोई आपको किराया नहीं मिलने वाला है, और अगर वेरिफिकेशन में समय लगा, एक की जगह 2 दिन रुकना पड़ गया, तो रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी, कंपनी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करने वाली है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग मैंने कवर कर दिया। अप्रेंटिस 1 साल की होने वाली है और इसी दौरान अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी पेमेंट वगैरह है वो होने वाला है, ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रेंटिस के बाद, जैसे होता है ना कि आप कुछ लोगों के अप्रेंटिस के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाए, तो इस तरह से यहाँ पर नहीं होता। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ नो एग्जीक्यूट एज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एज पर द अप्रेंटिस एक्ट, ठीक है, कि अप्रेंटिस की जो अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित करना होगा। जनरली अप्रेंटिस का 1 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन होता है कि 1 साल की अप्रेंटिस आप करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने कवर कर दिया। बाकी ये यहाँ पर दोबारा बता दूँ, ये अप्लाई करने वाली डेट है, ये लिस्ट जब सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट आएगी 8 अप्रैल को इसी वेबसाइट पर, और मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, फॉर्म बता देता हूँ। फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, वेबसाइट से कर सकते हो, ये वेबसाइट है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, HLIndia.co.in। इसमें ऊपर की तरफ कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं,
यह ऊपर देखिए कैरियर्स लिखा हुआ है, वेबसाइट के कैरियर्स पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप बहुत सारे वैकेंसीज की डिटेल दिया हुआ है, सबसे नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको पढ़ना होगा। हालांकि यहाँ पर देखिए इंगेजमेंट ऑफ, देखिए एडवर्टीजमेंट ये लिखा हुआ है ना 22, कभी आप देखो तो ये ऊपर नीचे हो जाए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड ITI अप्रेंटिसेस 24-25, तो ये है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिटेल आ जाती है, ये है आपका डिवीज़न कि कहाँ के लिए अप्रेंटिस रखे जाएंगे, ये वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्सेल शीट होगा, इस तरह से आ जाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर देखिए लिस्ट है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन कर लीजिएगा, ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप अप्रेंटिस इंडिया के पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर AP करके मिलता है, अलग भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो APP कुछ हो है तो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देंगे, आप यहाँ अपना पूरा नाम देने वाले हैं, अगर अजय कुमार हैं तो अजय कुमार फिलअप करेंगे, फादर नेम जो भी है आपका वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई आपका ऑलरेडी है वहाँ पर माता पिता कोई वर्किंग है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देना है कि यस या नो, जैसे कभी वहाँ से कोई काम किया हो या रिटायर हो गया हो या पहले एम्प्लॉय रहा हो इस विभाग में HAL में, तो आप दे सकते हैं, नहीं है कोई तो नो कर सकते हैं। उसके बाद नो कर देंगे तो फिर ये नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यस करते हैं आप तो उनका नाम, उनका PV नंबर, HAL डिवीज़न वगैरह आपको भरना पड़ेगा। तो ये किसको भरना पड़ेगा, जो वहाँ किसी एम्प्लॉय के बेटे हों या उनके रिलेशन में हो, इस तरह से होता है ना, तो ये चीज़ें हैं, बेटे ही जनरली, डॉटर या सन या डॉटर है तभी, रिलेशन नहीं। तो यहाँ पर अगर आप नो कर देंगे तो ये तीनों कॉलम आपको नहीं भरना पड़ेगा, अगर यस करते हैं तब ये तीनों कॉलम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी देनी है यहाँ पर, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च, ठीक है, और 2002, तो इस तरह से आप इसको फील करेंगे। कैटेगरी आपकी जो भी है, अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आप इसको OBC यहाँ पर लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइड में सिलेक्शन आ रहा है, यहाँ से OBC आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं अगर हैं तो यस करिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, नहीं है दिव्यांग तो नो कर दीजिए। जेंडर आपको यहाँ से साइड में सेलेक्ट करने को मिल जाएगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस आपको अपना देना है पूरा, ठीक है, मैं फॉर्म भी पूरा फिलअप करके दिखाई दिया आपको, तो ठीक है, इस तरह से आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी होगा पिन कोड आपको देना होगा, आधार नंबर देना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, नंबर मैं गलत टाइप कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, इस तरह से जो भी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ITI पास किया है वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये प्राइवेट पूरा लिखिएगा, जो भी कॉलेज का मार्कशीट का नाम होगा पूरा लिखिएगा, किस ट्रेड में आपने ITI किया है वो ट्रेड यहाँ से आप साइड से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन तो आपने इलेक्ट्रीशियन, फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर NCVT से किया है कि SCVT से, तो देखिए NCVT है तभी अप्लाई करिए, SCVT वैसे ही नहीं है लेंगे। कब पास किया आपने, मान लेते हैं 2022 में किया हमने, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ईयर पूछ रहा है, मंथ वगैरह, ईयर एंड MA मंथ भी लिखा हुआ है ना, तो मैच डाटा वैलिडेशन, इस तरह से आपको आगे, पहले तो 2022 है तो 2022 लिखना होगा, उसके बाद मंथ आपका जुलाई है तो 07 आगे करना होगा, इस तरह से ये लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सजेशन भी आ रहा है कि 2021 है, ठीक है, 2022, 2021 के पहले के जो है अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ लिखा हुआ रहा है। बाकी यहाँ पे ईयर और मंथ देना है, तो पहले ईयर टाइप कर दिया हमने, 07 कर दिया, मंथ हो गया। टोटल मार्क्स 10वीं में अगर 600 की मार्कशीट थी, ठीक है, आपने कितना पाया, मान लिया हमने पाया 460 या 56 नंबर पाया, तो वो हमने दे दिया यहाँ पर, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो गई। ITI का कितना मार्क्स है, अगर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर अगर 1400 है मेरा, मैं पाया कितना हूँ, तो मैं इस तरह से यहाँ पर फिल कर दूंगा, जो मैंने पाया कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। हैव यू कम्प्लीटेड रिजाइन टर्मिनेटेड अप्रेंटिस, क्या आपने पहले कभी ITI अप्रेंटिस किया है या फिर छोड़ दिया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, अप्रेंटिस छोड़ दिया है आपने, तो यस नो यहाँ पर करना है, आप इसको नो कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस अगर आप पहले से किए हैं, अगर आप देखिए लिख रहा है यस यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आपने अप्रेंटिस पहले से किया है या आधा अधूरा करके छोड़ दिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे ही नहीं, ठीक है, आपका
आगे फॉर्म नहीं फिलअप हुआ। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर सारा गेम खत्म होने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल वाला, जो भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर था जो मैं आपको बता रहा था, इस तरह से रहता है, इसको आपको सेव कर ले। इस नंबर को ही क्या करना है, इस फाइल को जाना है, फाइल को सेव एज करना है, और सेव एज में इस फाइल की जगह हम अपने अप्रेंटिसशिप वाला नंबर दे देंगे और इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारी नई फाइल तैयार हो जाएगी आवेदन, और इसको हम फिर मेल कर देंगे दिए गए ईमेल आईडी पर जो मैंने वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा मैंने कर दिया, लेकिन मैं ए टू जेड सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी बच्चा जो है आप कोई कन्फ्यूज़ होगा किसी चीज़ को लेकर। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, पर्टिकुलर उसका मैं आंसर कर दूंगा, या कुछ स्पेशल क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को मैं पिन करके आंसर कर दूंगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।